नमस्कार साथियों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज। आज हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होने वाला कौन सा? साधारण ब्याज। दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहले जाकर उनको कंप्लीट करना, फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा कंप्लीट हो गया और अब क्या चलेगा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का करते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज होता क्या है कि किसी साल पर मिला ब्याज दूसरे साल का भी उसी के बराबर होगा, तीसरे साल का भी उसी के बराबर होगा। इसमें साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, और जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने लगे तो वो साधारण ब्याज ना होकर क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने काम कंप्लीट कर लिया था, और इसका होता क्या है, साधारण ब्याज का होता है ऐसा ही। साधारण ब्याज को किससे डिनोट करते हैं? ऐसा ही से, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 क्यों करते हैं? क्योंकि दर होती है प्रतिशत में, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो अगर आर की आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हो तो आप 100 को नहीं लिखोगे, और अगर आर की वैल्यू आप प्रतिशत में लिखते हो तो 100 लिखोगे। ठीक है, तो एक में तो हम प्रतिशत रख के देखेंगे, एक में हम फ्रैक्शन वैल्यू रख के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक कौन सा, क्वेश्चन नंबर एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, यदि किसी धन पर 12.5% की दर से, यदि किसी धन पर 12.5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 3500 कम है, 3500 कम है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात करो। क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी धन पर कोई धन है उस पर 12.5% की दर से जो एसआई मिलता है वो मूलधन से कितना कम है, 3500 कम है, तो आपको मूलधन और एसआई दोनों ज्ञात करनी है। कैसे करते हैं इसको, इसको कैसे करना है, मूलधन मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, क्या मान लिया, पी, और पी से कितना कम है, 3500 कम है, 3500। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज होता क्या है, पी मूलधन गुणा दर, दर कितनी है, 25 गुनी 50 12 गुनी 24 25, तो ये हो गया 25/2 गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना दे दिया हमें, समय तो इसमें दिया ही नहीं, यदि समय 3 वर्ष हो, कितना, यदि समय 3 वर्ष हो, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, टी बराबर कितना, 3 ईयर, टी बराबर 3 ईयर, कितना, 3 ईयर, तो कितना हो गया, गुणा 3/100, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 की गुणा इसमें करोगे तो कितना जाएगा, 8p-3500 × 8 बराबर ये कितना आ गया, 3p, कितना, 3p इधर आएगा, 3500 × 8 उधर जाएगा, तो 8p-3p = 3500 × 8, तो 8 में से 3 का कितना हो गया, 5p बराबर कितना हो गया, 3500 × 8, तो 5 × 7 = 35 कितना हो गया, तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया 8 × 7 = 5600, और ऐसा ही कितना जाएगा, p बराबर अगर 5600 आ गया तो इसमें रख दो, ये क्या है, साधारण ब्याज, तो p की वैल्यू कितनी, 5600, तो 5600 - 3500 कितना आ गया, 2100, ये क्या है आपका, साधारण ब्याज, और ये क्या है, मूलधन। दोनों आंसर आपके सामने आ गए, नोट कर लो जल्दी से। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी धन पर 12.5% की दर पे मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, तो मूलधन कितना है, पी,
पी से कितना कम हो गया 3500, तो ये क्या हो गया साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज किसके बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो जब इसको सोल्व किया तो पी बराबर 5600 और आर बराबर टी, ये ऐसा ही कितना हो गया 2100। जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा एसआई, किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा एसआई, 4 वर्षों के लिए लगा एसआई, 4 वर्षों के लिए लगा एसआई मूलधन से 4400 कम है, कितना 4400, मूलधन से 4400 कम है, मूलधन से 4400 कम है, यदि दर 6/2/3% हो, यदि दर 6/2/3% हो तो मूलधन व एसआई ज्ञात करो, किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा एसआई मूलधन से कितना कम है 4400 कम है, तो क्या ज्ञात करना है मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं हम, कितना लगा है मूलधन से कितना कम है 4400 रुपए कम है, साधारण ब्याज कितना कम है 4400 कम है मूलधन से, तो मूलधन कितना है पी, और पी से 4400 कम कर दो तो ये कितना हो गया साधारण ब्याज बराबर कितना मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 6/2/3, तो 6/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, तो 1/6 मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष। अगर आपने ये कर दिया कि फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके लिखा है तो 100 नहीं लगाओगे, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा है नहीं लिखा तो आपको प्रतिशत बताने के लिए 100 से भाग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा फ्रैक्शन वैल्यू में, कैसे 6/2/3%, तो कितना हो गया 6 × 3 = 18 = 20, 20/3 भाग करोगे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से, तो कितना हो गया 20 × 20 = 20, 5/100 तो कितना आ गया 1/15, तो कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 हो गई, कितनी हो गई 1/15, तो 1/15 हो गई गुणा 4, ठीक है। अब क्या करना है 15 से क्या कर देंगे इधर से वो गुणा, तो 15p कितना हो गया 15p माइनस 4400 गुणा 15 बराबर ये कितना हो गया 4p, कितना 4p। अब ये किधर रह जाएगा इधर, और ये किधर पहुंच जाएगा उधर, तो 15 में से 4 ये कितने बचे 11p बराबर 4400 गुणा 15, तो 11 से कितने बार गए 4 बार, तो p बराबर कितना हो गया 400 गुणा 15, तो 15 × 4 = 60, तो कितना आ गया 6000, पी की वैल्यू कितनी आ गई 6000, और ऐसा ही कितना होगा साधारण ब्याज कितना होगा पी से कितना कम है 4400 कम है, तो 6000 माइनस 4400 तो कितना आ गया 6000 में से 4400 गया तो कितना बचा, अरे 6000 में से 4400 गया तो कितना बचा 2 जीरो में से 2 जीरो गए ये बचा 1600, कितना 1600, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर और ये हो गया पहला आंसर, ठीक है।
तो इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं फिर अभी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं जल्दी से अभी। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखना है और परसेंटेज वैल्यू में कैसे लिखना है। अगर परसेंटेज वैल्यू लिख रहे हो तो अकाउंट में 100 आएगा, अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिख रहे हो तो 100 नहीं आएगा। समझ गए? नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4% वह अगले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा शेष के लिए कितना है? 8%। शेष के लिए 8% दर हो तो 1120 के मूलधन पर 9 वर्ष का एसआईपी याद करो, तो 1120 के मूलधन पर 9 वर्ष का एसआईपी ज्ञात करो। यह है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कोई मूलधन है आपके पास और उस मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए क्या मिल रहा है? 4% का। अगले 4 वर्ष के लिए क्या मिलेगा? 6% का। और जो शेष बचते हैं उसके लिए क्या मिलेगा? 8% का। तो 1120 के मूलधन पर 9 वर्ष का ऐसा ही क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करना है? रेट को देख लो आप। क्या रेट? पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, तो 2 × 4% कितना हो गया? 8%। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 वर्ष के लिए कितना है? 6%, क्योंकि पहले 1 साल के लिए 4% है, अगले दूसरे साल के लिए भी 4% है, तो 2 साल का कितना हो गया? 8%। ऐसे 4 साल के लिए 6% है, तो 6 × 6 = 24। अब 4 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए, कितने साल बचे? 4 × 2 = 6 साल कंप्लीट हो गए, कंप्लीट करने हैं 9 साल, तो कितने साल बचे? 3 साल। इस बचे 3 साल के लिए कितना है? कितना? 8%, तो 8 × 24 टोटल कितना हो गया? 24 × 48 = 58, में से 2 गए 56, टोटल हो गया आपका 56% कि 9 साल के लिए ऐसा ही कितना मिलेगा मूलधन का? 56%। मूलधन का 56%, तो कितना हो गया मूलधन? कितना? 1120 गुणा कितना? 56 बटे कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 112 गुणा 56 बटे 10। अब इसकी क्या कर लो? गुणा कर लो। क्या कर लो? इसकी गुणा कर लो। कैसे करोगे? 112 की कितनी करनी है? 56 में। अगर ऑप्शन दिए होते तो आप ऑप्शन से एकदम भी कर लेते। 6 × 2 = 12, 6 × 6 = 7 और 6 × 6 गुणा 5 × 10, 5 × 5 = 6, 5 × 5 तो कितना हो गया? 2 × 7, 6 × 2 = 12, 5 × 6 तो कितना हो गया? 662 बटे 10 तो कितना हो गया? 627.20। ये आपका आंसर हो गया।
कितना 627.2, कितना 627.2। कैसे किया, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले दो साल के लिए होगा 4%, तो 2×4%, अगले चार साल के लिए 6%, क्योंकि ये तो सेम होगा ना चार साल के लिए, अगले जो चार साल है उसके लिए 6% है, तो ये सेम होगा अपने आप में, तो 4×6=24, 3×8=24, तो टोटल कितना हो गया 56%। तो क्या निकल के आया सर, ऐसा ही क्या निकल के आया 627.20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो जल्दी से एकदम। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अर्थमैटिक के बहुत ही इजी टॉपिक हुआ करते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से कवर कर लिए शुरू के 3 टॉपिक, परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, तो आपको परेशानी बहुत कम आएगी। अगर आपने शुरू के ही 2 चैप्टर टॉपिक कंप्लीट नहीं किए तो परेशानी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो क्या क्या करना है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में स्वयं का 64 गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष में तो हो गया अपने आप का 8 गुना, तो कितने समय में 64 गुना होगा, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 8 गुना, कितना 8 गुना, तो 8 गुने में क्या होगा, इस 8 के अंदर क्या होगा, इस 8 के अंदर मूलधन भी होगा और क्या होगा साधारण ब्याज भी, तो मूलधन कितना होगा 1 और ब्याज कितना मिला 7, यही तो होगा 1+7। अब कितना करना है 64 गुना, कितना 64, तो कितना निकलोगे 1+63, ये तो हो गया मूलधन और इसके ऊपर ब्याज कितना हो गया 63, तो 7 में किससे गुणा करिए जो 63 आ गया, 7 में किससे गुणा करिए जो 63 आ गया, 7×9=63, कितने से गुणा करिए 9 से, अगर 9 से इसमें गुणा करिए तो 9 से इसमें गुणा कर दो, तो गुणा 9×9=27, तो कितने साल में होगा 27 साल में होगा, ये सिंपल सा आंसर आपका। ये तरीका आप देखो, 3 साल में कितना होगा 8 गुना, तो 8 गुना किससे होगा स्वयं का 8 गुना, ये देखो आप मूलधन अगर 1 है तो 1 का 8 गुना कितना होता है 8, तो मूलधन कितना रहा होगा 1, तो इसमें 1 तो है मूलधन और 7 कितना है ब्याज, अब ब्याज 7 मिलना कितना चाहिए 63, क्योंकि साधारण ब्याज में कितना होता है हर साल के लिए इक्वल, तो 7×63 आने के लिए 7 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो कितना मल्टीपल आ गया 9, तो जब 9 से यहां गुणा हो रही है तो 9 से यही मल्टीप्लाई होगी, तो 9×3=27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इसी तरीके का ले लेते हैं, हर टाइप के एक दो क्वेश्चन ले लेंगे तो
सारे टाइप कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने आप पर 6 वर्षों में दोगुना हो गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुना हो गया, 6 वर्ष में स्वयं का कितना हो गया, दोगुना हो जाता है। तो कितने समय में 10 गुना होगा, कितने समय में 10 गुना होगा बताओ। तो कैसे करोगे, कोई साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो गया, तो कितने साल में, 6 वर्ष में कितना हो गया, दोगुना। तो दोगुने में क्या होगा, पहला तो मूलधन होगा प्लस एक इसका ब्याज होगा, दो में क्या होगा, एक तो होगा मूलधन एक होगा ब्याज, कितना करना है 10 करना है, तो 10 में एक मूलधन प्लस 9 ब्याज, तो कितने से गुणा हो रही है, एक में कितने से गुणा हो रही है, ये हो रही है 9 से गुणा, एक में 9 से गुणा करोगे तो ये आ जाओ, तो इसमें भी 9 से गुणा करो, 9×6=54, तो आपका आंसर कितना होगा 54, ये आपका आंसर है, क्या है आंसर 54 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिक्स है 64 दो वर्षों में 83.20 बनता है। समान दर पर 4 वर्षों में 86 का कितना धन बनेगा, समान दर पर 4 वर्षों में किसका 86 का कितना धन बनेगा, 86 का कितना धन बनेगा समान धन पर। अब देखो ये क्या कह रहा है, 64 रुपए है, 2 वर्षों में 64 रुपए का कितना हो गया, 83.20 बन गया। इतनी जितनी दर यहां पर थी उसी दर पर, जितनी दर यहां लगी उसी दर पर 4 वर्षों में 86 कितना धन बनेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें कितनी दर थी। तो आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना है 64 और मिश्रधन कितना है 83.20, तो इसमें साधारण ब्याज कितना होगा, 83.20 माइनस कर दो कितने थे 64 से, कितना 0, 2 और 13 में से 4 गया कितना 9, 7 में 6 गया 1, 19.20, तो कितना हुआ 19.20। ये क्या है साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज कितने पर मिला 64 पर, कितने वर्ष में मिला 2 वर्ष में, कितनी दर पर मिला निकालनी है, बटे 100, तो ये क्या जाएगा बटे में 100, तो 100 से 100 कट गए। अब काटो किससे काटोगे, 2 से काट के देखो, 2 नम 18 और हो गया कितना हो गया 12, 2×12 जीरो का जीरो आ गया, तो कितना आ गया 960। अब देखो 32×64 और 32×3 कितने हो जाते हैं, 32×3=96, तो कितना जाएगा 32×64 32×3=96 30, अब 2 से कितनी बार जाएगा 15 बार, तो आर बराबर कितना आ गया 15%, आर बराबर क्या आ गया 15%।
कि ये यहाँ पर दर कितनी लगी थी, 15% लगी थी। अब इसी 15% की दर से 4 वर्षों में 86 का बताओ कितना होगा, निकाल लो कितना, मूलधन कितना है 86, दर कितनी है 15, समय कितना है 4 वर्ष, बटे में जाएगा 100, तो कितना जाएगा, 4 से कितनी बार गया 25 बार, और 5 से कितना, 5 + 5 = 25, 5 + 15, अब तो जाएगा ही नहीं, किसी से जाएगा नहीं, तो इसको काट दो कितनी बार, 0.6 बार, 0.6 बार, तो कितना आ गया 86 × 0.6, तो 6 × 36 और 8 × 48 और 3 = 58.51। ये हो गया आपका कितना, ये साधारण ब्याज था कितना 86। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना होगा P + SI, पी कितना हमारे पास कितना 86 और SI कितना है 51.6, तो कितना हो गया, कितना हो गया 86 में क्या जोड़ेंगे 51.6, तो 6 का 6 और कितना हो गया 10.617 8513, तो कितना आ गया 137.6। ये आपका मिश्रधन हो गया, तो 4 वर्षों में 86 का कितना बनेगा 137.6। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और 7 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, अब करना हमको क्वेश्चन नंबर 7। ये चीज सामने आ गई नहीं आ गई, 64 2 वर्षों में 83.20 हो गया, तो इसमें 64 में कितना ब्याज मिला होगा, ब्याज मिला 19.20 का। ये जो ब्याज मिला है कितने पर मिला है, 2 साल में 64 पर, तो यहां से हमने क्या निकाल ली, दर निकाल ली, और इसी दर पर ये कह रहा है समान दर पर, तो इसी दर पर 86 4 वर्षों में कितना हो गया 137.6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 करते जल्दी से, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हमें आज, 10 क्वेश्चन मिनिमम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया करेंगे हम डेली के डेली, जिससे कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राम ने पाया कि 13% से 12.5% तक बदलाव हो गया दर में। राम ने पाया कि दर 13% से 12.5% रह गई, 12.5% हो गई, तो उसकी आय 104 रुपए घट गई, तो उसकी आय 104 रुपए घट गई, तो क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करो, मतलब उसकी सैलरी ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज में पहले कितनी थी 12-13%, अब कितनी होगी 12.5%, तो कितनी घटी 0.5%, कितनी घटी 0.5%, ये 0.5% तो घटी, लेकिन रुपए में घटी 104 रुपए, तो आधा परसेंट के वैल्यू है 104, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 208, 1% की अगर 208 है तो 100% की कितनी होती है 100% की हो जाएगी 208.00। ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, क्या हो गया मूलधन, कि घटी कितनी 13 से 12.5 हो गई, तो कितनी घटी आधे प्रतिशत घटी, और आधे प्रतिशत किसके बराबर है 104 के, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 208, जब 1% की 208 है तो 100% की कितनी होगी 208.00। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जल्दी से, देख लो सही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100, कोई धन
दो वर्ष में 2100 तथा दो वर्ष में 2100 तथा पांच वर्ष में 2250 बन जाता है तथा पांच वर्ष में 2250 बन जाता है तो मूलधन में दर ज्ञात करो। तो मूलधन वह दर ज्ञात करो, मूलधन वह दर ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दो साल में कितना हो गया? 2100। कितना? 2100। तो दो साल में कितना हो गया? 2100। और पांच साल में कितना हो गया? फाइव ईयर में कितना हो गया? 2250। तो ये क्या हो गया? दो साल में हो गया 2100, पांच साल में हो गया 2250। तो जो गैप आया है कितना गैप आया है? गैप जो आया है वो कितना गैप आया है एक बात तो बताओ कि इधर से जब ये घटाएंगे तो तीन साल में कितना बड़ा होगा? पांच में से दो गया 3 साल, तो 3 साल में कितना हुआ होगा? 2250 में से 2100 गया, कितना बचा? 150। जब 3 साल में 150 का ब्याज मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? 50 का। तो 1 साल में कितना हो गया? 50 का। ये मिल गया ब्याज। क्या मिल गया? ब्याज। 1 साल का कितना मिल गया? 50 रुपए। 2 साल का कितना हो गया? 2 साल का हो गया 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। तो 2100 में क्या हुआ होगा? 2000। 2100 में कितना हुआ होगा? 2000 प्लस कितना? 100। तभी तो 2100 होगा कि इसमें क्या होगा? 2100 में क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तभी तो 2100 होगा कि 2 साल में कितना हो गया? 2100 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? 2000 रुपए पर 100 रुपए का ब्याज मिला। कितना? 100 रुपए का। तो आर बराबर कितना जाएगा? आर बराबर आ गया कितना मिला? 2000 पर कितना मिला बताओ? 2000 पर कितना मिला? 100 रुपए का ब्याज मिला। तो आर बराबर कितना जाएगा? ब्याज कितना है? 100। कितने पर मिला? 2000 पर गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 2 से कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार। नहीं हुआ? नहीं। कहां गलती हो गई इसमें क्वेश्चन में हमारी? कुछ गलती हो रही है क्या? यहां कुछ गलती दिख रही है आपको कि कुछ गलती हो रही है भाई? ब्याज कितना मिला? अरे ये तो हमने कर ही नहीं, तो गलती होगी हमारी। ब्याज कितना मिला हमें? 50 रुपए का। कितने का? 50 का। तो यहां से देखो दोबारा से, एक स्टेप छूट गया था। ब्याज कितना मिला? 50 का। ये साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन कितना हमारा? 2000। कितना? 2000। मूलधन हो गया 2000। मूलधन गुणा दर, दर कितनी हमें निकालनी है? समय कितना है? 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आर बराबर कितना आ गया? 5/2। तो आर बराबर कितना आ गया? 2 सही 1/2% ये आ गया। और पी बराबर कितना आ गया था? पी बराबर कितना आ गया था? 2000। ये 2000 कैसे आया? कि 1 साल का ब्याज है 50, तो 2 साल का कितना होगा? 100। तो 100 अगर ब्याज है तो रिमेनिंग क्या होगा? मूलधन। तो पी बराबर कितना था? 2000। ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 2 क्वेश्चन और रह गए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से इसको देख लो। हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके का क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी क्या करते हैं? एक क्वेश्चन इसी तरीके का और देख लेते हैं। कोई धन आपके क्या लेंगे? कोई धन 5 वर्ष में 10,000। कोई धन 5 वर्ष में कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000। तथा 60 वर्ष में कितना हो गया? 10,800। कितना? 10,800 बन जाता है। तो मूलधन और दर बतानी है, तो कैसे करेंगे इसको?
कैसे करेंगे, पांच वर्ष में कितना हो गया 10,000, पांच वर्ष में कितना हो गया 10,000, सात वर्ष में कितना हो गया 10,800। तो दो साल, पांच वर्ष में 10,000 था, सात वर्ष में कितना हो गया 10,800, तो बीच में बचे दो साल, तो उन दो साल में कितना ब्याज मिला होगा, कितना 800। तो एक साल में कितना मिला होगा 400। जब एक साल में 400 मिला तो पांच साल में कितना मिला होगा 2,000, कितना मिला होगा 2,000। अब 10,000 टोटल है, 2,000 का ब्याज है, तो कितना मूलधन रहा होगा 8,000। तो ये हो गया 8,000, हो गया नहीं, कितना हो गया 8,000 हो गया। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर हो गया 8,000। ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, तो कि P बराबर कितना आ गया 8,000। 8,000 रुपए पर ब्याज कितना मिला, अब यहां से करके देख लेते हैं, कहां से, यहां से, तो ब्याज कितना मिला 2,000, कितना मिला ब्याज 2,000, कितने पर मिला 8,000 पर, गुणा कितने समय में मिला पांच वर्ष में, गुणा दर कितनी है निकालनी है, बटे 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पांच से कितनी बार जाएगा 40 बार, और आठ से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो R बराबर कितना आ गया 5%, R बराबर 5% और P बराबर 8,000। यहां बात तो समझ में आई नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखो करते कैसे हैं, पांच वर्ष में मिला 10,000 और सात वर्ष में मिला 10,800, तो जो बीच का गैप बचा वो बचा दो साल का, तो उन दो साल में तो ये बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो दो साल में कितना बढ़ गया 800 बढ़ गया, तो एक साल में कितना 400, जब एक साल का 400 है तो पांच साल में कितना होगा 2,000, पांच चौ 20, तो इस 10,000 के अंदर 2,000 का अगर ब्याज है तो मूलधन कितना रहा होगा 8,000। तो फिर हमने निकाल दिया 2,000 का ब्याज मिला 8,000 के पांच साल में, तो आर बराबर कितना आ गया 5%। क्वेश्चन जल्दी देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं जल्दी से भी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है बस, एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इसको देख लो, फिर जल्दी से आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, क्या होने वाली है कंप्लीट, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई निश्चित धन निश्चित समय में 5% की दर से, कोई निश्चित धन निश्चित समय में निश्चित समय में कितना 5% की दर से 350, 5% की दर से 350, वह 3% की दर से 250 हो जाता है, वह 3% की दर से कितना 250 हो जाता है, 250 हो जाता है। तो धन ज्ञात करो और समय भी ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, धन व समय ज्ञात करो, समय ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, किसी निश्चित समय में निश्चित मूलधन पर ये निकल के आता है क्या, अब एक बात बताओ, मिश्र धन का होगा पी प्लस, पी पर कितना ब्याज मिला पहले के अंदर ना 5%, तो पी गुणा 5 गुणा टी हमें निकालना है, बटे 100 किसके बराबर है, किसके 350 के, किसके 350 के। अगली इक्वेशन में क्या आएगा, पी प्लस पी गुणा 3 गुणा टी अपॉन 100, ये किसके बराबर है 250 के। ये इक्वेशन 1 मान लो या ये इक्वेशन 2 मान लो, अब क्या करना है माइनस कर देते हैं इसको, क्या माइनस, तो पी से पी कट गया और
थ्री पी में से पांच पी गया तो कितना बचा टू पी, टू पी गुणा टी अपॉन हंड्रेड बराबर कितना हो गया साढ़े तीन सौ में से ढाई सौ गए कितने बचे हंड्रेड, कितने बचे हंड्रेड, तो दो सौ कितनी बार जाएगा पचास बार, तो पी गुणा टी कितना आ गया, पी गुणा टी कितना आ गया पांच हजार, कितना आ गया पांच हजार। यहां तक क्या चीज समझ नहीं है ये बताओ मुझे आप, यहां तक ऐसी कुछ चीज है जो आपको ना समझ में आई हो। देखो पहले क्या करना है, ये मिश्रधन का होता है, मिश्रधन का कैसे निकालते हैं मूलधन प्लस ब्याज, कैसे निकालते हैं मूलधन प्लस ब्याज। अब बताओ आप यहां तक क्या चीज समझ में नहीं आई, इतना तो बता दो आप कम से कम, यहां तक कुछ चीज ऐसी है जो समझ में आई हो। अब हम क्या करेंगे p गुणा टी तो आ गया आपका पांच हजार, अब इस पांच हजार को p गुणा टी को कोई भी एक इक्वेशन में रख लो, तो हम किस में रखते हैं ऊपर वाली में रखते हैं p गुणा टी गुणा पांच बटे सौ, तो कैसे लिखोगे p प्लस p गुणा टी की वैल्यू कितनी है पांच हजार, p गुणा टी की वैल्यू है पांच हजार गुणा ये कितना है पांच बटे सौ, किसके बराबर है तीन सौ पचास के, 350 तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, p प्लस पांच बजे 25 तो कितना आ गया 250 बराबर 350, तो p बराबर कितना आ गया 350 माइनस 250 तो p बराबर कितना आ गया 100, p बराबर कितना आ गया 100 आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, और p गुणा t कितना था 5000, p गुणा t कितना था 5000, तो p की वैल्यू कितनी 100 गुणा t बराबर 5000, तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, टी की वैल्यू कितनी आ गई 50, टी की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है, आज हमारी साधारण ब्याज की पहली क्लास कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज की क्लासेस नहीं ली है वो क्लासेस ले ले पहले जाके, दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है तीसरा टॉपिक चल रहा है, तो ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है या कॉन्स्टेबल के भी एग्जाम आने वाले हैं, सभी के लिए ये सफिशियंट है, जितना करा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और सारे टाइप आपको करा के चल रहे हैं, एक भी टाइप छोड़ नहीं रहे हैं, अगर कोई टाइप छूटता है आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि सर मेरा एक डाउट है, तो हम इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे आपको और उसपे फोटो खींच के डाल देना, अगली क्लास में क्या होगा उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।